शादी कर रहा हूं मैं सौम्य से 10 दिन के अंदर अंदर। तंग कर रहे हो मुझे, हाइड एंड सीक खेल रहे हो मेरे साथ, अभी बताती। सत्या 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 सत्या, कितना परेशान करोगे, कम ऑन यार। सत्या यस आई एम बैक। पिछली का झटका और गुचकू का चेहरा हिला के रख देता है ना? सत्या कहाँ है? वहीं जहां तुम उसे नहीं देख सकती, वहीं जहां वो तुम्हारे आने से पहले हुआ करता था, जिससे तुमने उसे छीन लिया, तो उसी के पास। चोरी की है क्या तूने, या फिर इससे भी जीएसटी लग गया? ठीक, अगर अगर हंसना है ना तो खुल के हंस, वरना मत हंस। कोई हंसने वाली बात नहीं है, समझे ना? अरे पर मैंने क्या किया, तूने ही तो मुझे धक्का दिया और वो अंडा उड़ के इसके ऊपर फूट गया। प्लास्टिक का था, फाइटर दीदी ने इसमें इंक भर के रखी थी और बोला था कि जिसके ऊपर गिरेगा वो हार जाएगा। यही बोला था इन्होंने। सर, अपनी इस नई लुगाई को वापस ले जाए, ऐसे ही अगर मुंह काला कराती रहेगी ना तो लोग तुझ पे भी सवाल करेंगे। तुझसे सुशील को छीन कर एक बार तो ये ले ही जा चुकी है और अपना और तेरा दोनों का मुंह काला करा चुकी है। आज फिर से करा लिया, चल निकल। बहुत गलत किया ये। चलो सोमिया, चलो।
तुझे तो बेटा भिगो भिगो के मारूंगी मैं। नन्नो, ये क्या बदतमीजी है? ए, ना, 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 ना सोम्या, तू अंदर नहीं आ सकती। अरे रहना होगा तुझे घर से। पर क्यों दादी, अंदर क्यों नहीं आना? क्यों? वो अंडा फूटा ना, इस पे गिरा पूरा, और हमारे घर में तो नॉन वेज अलाउड ही नहीं है। अरे यार, वो प्लास्टिक का अंडा था, नकली अंडा, उसमें इंक भरी हुई थी और मैंने खाया नहीं है, सर पे लगा है मेरे। और असली होता तो भी क्या होता? अरे नहीं सौम्या, अंडा अगर सड़ जाता है ना तो अंदर से काला हो जाता है, और मुझे नहीं लगता कि वो नकली अंडा था, और चांस नहीं लेना चाहिए ना, है ना बुट दादी? सही कह रही है चंपली। चल एक काम करते हैं, तेरा पूरा शुद्धिकरण करते हैं। क्यों? करो दादी, वैसी सौम्य इतनी परेशान है, आप उसे और परेशान कर रहे हो। क्या है गंगा जलन और हटाओ इसे। दादी तारा सत्या अब तारा नहीं, पूरा का पूरा सौम्या का हो गया है। मतलब इसकी हिम्मत की आपसे ऐसे बात करे, आपसे। मैं बस सुशील को मिलने आया था। जी नहीं जी, मैं जानता हूँ काफी लेट हो गया है, लेकिन अगर आप कल सुबह भी आते तो मेरा जवाब यही होता, आप उससे नहीं मिल सकते। अरे वो मेरी बेटी है। आप ऐसे... पता है आपकी बेटी है, इसीलिए अब तक आपसे बात कर रही हूँ, पर मैंने कहा ना कि आप उससे नहीं मिल सकते। आपका मन रखने के लिए उसने अपना मायका और ससुराल दोनों छोड़ दिया, एक अच्छी बेटी बनकर दिखाया, तो अब आपका फर्ज बनता है एक अच्छे पिता बनिए और यहाँ से चले जाइए। मैं जानता हूँ सबको यही लगता है कि मैं सुशील को भूल चुका हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने कहा ना, आपने जो किया बिल्कुल सही किया, लगता है कुछ ज्यादा ही संभाल कर पाला है आपने अपनी बच्ची को। बच्चा साइकिल से गिर जाएगा इसलिए आपने उसे कभी साइकिल चलाने ही नहीं दिया, ऐसी सोच थी आपकी। बच्चों को अगर इतना डर डर कर पालेंगे ना तो वो केवल कदकाठी से बड़े होंगे, मन से हमेशा बच्चे ही रह जाएंगे। बहुत मुश्किल से वो अपने दम पर कुछ कर रही है, आप प्लीज उसे कमजोर मत करिए। जाइए यहां से। मुझे नहीं पता वो आगे क्या करे, लेकिन उसमें आगे कुछ करने का जज्बा है, इच्छा है। गुस्से को अगर सही दिशा में सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो गुस्सा कभी गलत नहीं होता। आपको कैसे पता चला कि मैं यही पूछने वाला था? आपकी आंखों में आपकी बेटी के लिए नई उम्मीद देख। थैंक यू हमारी दिखरी का ध्यान रखने के लिए और उसकी मदद करने के लिए। मुझे अपॉइंटमेंट सुशील को कैसे भी करके देना ही पड़ेगा। सौम्या, 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 रिलैक्स, रिलैक्स सौम्या। ये क्या कर रही तुम? इतना भी क्या हुआ है? हुआ क्या? तुम्हें क्या हुआ है सत्या? How dare you? तुम कैसे चले गए सुशील के पास? हाँ? अरे मैं एक नंबर की घटिया और फालतू लड़की है वो। सौम्या जस्ट शराब। ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे तुम? हाँ? और तुम क्या कर रहे थे? मेरे सर पे अंडा गिरा, सब हंस रहे थे वहाँ पे और तुम खड़े होकर देख रहे थे तमाशा। बस और तुम्हें जान के क्या ना तुमने ये सब? अरे मैं जान के क्यों करूंगा सौम्या? मुझे क्या पता था कि तुम अचानक वहां जाओगी? तुम्हें वापस लेने आई थी मैं,
पर मुझे नहीं पता था तुम उस ऊंटनी के पास वापस चले जाओगे। सौम्या सौम्या रिलैक्स, सौम्या 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 रिलैक्स, सौम्या छोड़ इसे, सौम्या रखो इसे, रखो रखो इधर इधर बैठो इधर बैठ। सौम्या सौम्या 10 दिन में हमारी शादी है, प्लीज ऐसे देर मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज। सौम्या मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, I'm still talking to you. मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और ना ही तुम्हारी झूठी बातों के चक्करों में पड़ना है। अरे कौन सा झूठ कैसा झूठ, हाँ बंद करो यार ये ड्रामा। बोला ना हम 10 दिन में शादी कर रहे हैं। मेरा जो मन आएगा मैं वो करूंगी सत्या, और तुम मुझे नहीं रोक सकते, समझे? समय मेरी बात सुनो। मैं करना जानता है लड़कियों को एकदम ऐसे ज्यादा उछल रही होगी, इसलिए तो लगा है हमारे सत्या ने ये करा रहा। खुश कर दिया मैंने जी हाँ। दी मेरे बारे में कितना सोचती हैं? शादी कर रहा हूं मैं सौम्या से 10 दिन के अंदर अंदर। शायद यही किस्मत है मेरे रिश्ते की, पर अब मैं इस रिश्ते से आगे बढ़ चुकी हूं। लड़की है, तुझे क्या करना है बल्ला हाथ में पकड़ के दे अपने भाई को, अगर खेलते हुए मुंह पे चोट लग गई तो बड़े होकर शादी के लिए दूल्हा भी नहीं मिलेगा तुझे। रोक मत उसे, थोड़ा ड्रामा जरूर करेगी लेकिन देखते हैं कि मेरी ट्रेनिंग का असर इस पर हुआ भी है या नहीं। मार के दिखाऊं इतना करारा थप्पड़ था। सत्या ने सौम्या को थप्पड़ मारा और नहीं तो क्या, अरे अपनी दादी से नहीं और किससे सीखेगा। इस घर और इस घर के रहने वालों पर राज करना ठीक है, वो इस घर के लायक है, पर उसने आवाज उठाई
और वो भी मारे सत्या के सामने। ये तो होना ही था। काकी चोरों की तरह आ गई, कुछ बताया भी नहीं। अजीब हो आप, चोरों की तरह आई हूँ तो बता के थोड़ी आती। और वैसे भी मैं चोरों को यहाँ से भगाने आई हूँ। पूरे इंडिया में गंदगी मिटाओ और सफाई अपनाओ, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, मैंने सोचा अपने घर में भी अप्लाई करती हूँ। गंदगी को, आई मीन सौम्या को, इस घर से साफ करती हूँ मैं। काकी देखो, अगर ये घर एक जंगल है और इस जंगल की शेरनी, आई मीन बूढ़ी शेरनी, अगर दादी है तो मैं भी किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं हूँ। बस मैं अपनी चालाकी अच्छे कामों के लिए यूज़ करती हूँ, इसीलिए उस दूसरी लोमड़ी मतलब उस सौम्या को मैं यहाँ से निकाल के ही रहूँगी। ये धोनी और विराट का जमाना है, तेरे बस की बात नहीं है। लड़कियों का कैप्टन कौन होता है, कभी सुना है तूने? मिथाली राज। हाँ पापा, मिथाली राज दीदी भी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। थैंक गॉड कि उनके पापा ने उनके साथ ऐसा नहीं किया जैसा आप अपनी बेटी के साथ कर रहे हैं। क्यों डर लग रहा है आपको कि आपकी बेटी बड़े होकर अपना नाम रोशन करेगी और सबके छक्के छुड़ा देगी? पर इस चीज से तो आपको खुशी होनी चाहिए ना। चलो ठीक है, ट्रेनिंग का असर तो हो रहा है, चलो। ये ले बेटा खेल। नहीं, अगर खेलते हुए उसके चेहरे पे या हाथों पे चोट लग गई या कोई हड्डी टूट गई तो बड़े होकर इससे शादी कौन करेगा? अंकल आप अपनी बेटी को इतना काबिल बनाइए कि रिश्ते के लिए इसे कहीं ना जाना पड़े, बल्कि लड़कों की लाइन लगे ऐसी लड़की से शादी करने के लिए। वैसे तेरे लिए लगी थी। खुद तो अपनी शादी निभा ना सकी, ना अपने पति का प्यार पा सकी, ना घर को घर बना के रख सकी, और यहाँ खड़े होके क्या बाजी कर रही है? तेरे जैसी छोकरियों को जीवन में जीने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं, पर जरूरी नहीं हर छोकरी को ऐसे ही अपना जीवन चलाना पड़े। अरे हम गुजराती औरतें हैं, हम घर पे रह के हाथ पैर चला के तब पैसा कमाती है। जैसे मैं, ये इलाज मेरा, मेहनत करके अचार का धंधा करके इतना बड़ा कारोबार शुरू किया, इतना बड़ा घर बनाया। हर गुजराती औरत, हर गुजराती छोकरी घर के कामों के लिए बनी होती है, ये खेल कूद, ये हॉकी वॉकी खेलने के लिए नहीं। तो कुछ सिखाना ही है ना इनको, घर बना के रखना सिखा। ऐसे पहलवानी करने से तो हड्डियां भी टूटती है और घर भी। बेटा खेल जा। ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा ताकत क्या दे दी? यही सोचती है कि मोहल्ले की हर औरत को, हर बच्ची को अपनी तरह बना देगी। क्या क्या कर लेगी? मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोल रही, तो आप भी प्लीज मुझे कुछ मत बोलिए। वैसे भी तारे से बात करके करना क्या है? तारे से बात करने का मतलब है दीवारों से सर फोड़ना अपना। अगर मैं दीवार पर सर मारूंगी तो दीवार टूट जाएगी। अच्छा सच्ची? तो प्रतियोगिता हो जाए दीवारों पे सर पटकने की। स्टार्ट
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।